इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का पुलिस स्टेशन अपडेट आ चुका है और पुलिस स्टेशन के अंदर भी बहुत सारी नई चीजें आने वाली है गाइस। तो आज मैं आपको पुलिस स्टेशन अपडेट की सारी चीट कोड्स बताने जा रहा हूं और ही साथ में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि GTA 5 में जो पुलिस स्टेशन है वो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D से कैसे मिलता है। और जिसको भी JCB चलानी और चीट कोड नहीं पता हो तो JCB की चीट कोड है गाइस 6677 और साथ में हमारी एक हमर कार भी ऐड हुई थी जिसका चीट कोड है 8880। तो ये दो न्यू गाड़ियां ऐड हुई थी और नेक्स्ट अपडेट में जो ऐड होने वाला है वो है हमारी न्यू लेटेस्ट थार गाइस, जो हमारे ओल्ड वर्जन में थार हुआ करती थी। साथ ही में आपको अंदर रिसेप्शन देखने को मिलेगा जिसके अंदर बैठे होंगे 3 पुलिस वाले गाइस और NPC भी। NPC जो है वो अपने पुलिस कंप्लेंट फाइल कराने आए होंगे, ठीक है। एक प्रिजनर भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि जेल के अंदर बैठा होगा। फिर बोलेरो की चीट कोड में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 300 की बोलेरो की चीट कोड है क्या, लेकिन 300 से गाइस टार्ज़न आती है, तो 300 से नहीं आएगी बोलेरो। 3100 डालोगे ना तो आएगी बोलेरो कार और 300 से टार्जन आ जाएगी। जेट पैक का भी बहुत यूज होता है गाइस, तो जेट पैक की चीट कोड लिख लो 320 और मिनी जेट पैक की है 330। हमारे गेम में बहुत सारी सुपर कार्स भी अभी ऐड हुई थी, जैसे कि सुपरा 2244 से आएगी और फिर मस्टैंग चाहिए तो 8123 डाल देना और फरारी के लिए गाइस 8811 डाल देना। और एक सुपर स्प्लेंडर बाइक भी आई थी जिसका चीट कोड है 6021। जो पुलिस स्टेशन का सेकेंड फ्लोर है गाइस वो अगले अपडेट में हमारे खुलने वाला है, लेकिन इस अपडेट में वो अभी तक खुला नहीं है। लेकिन बहुत लोग को जाना है ना, तो आप ये वाली ट्रिक लगा सकते हो कि आप जेट पैक में बैठो और उसके बाद जो सेकेंड फ्लोर है उसकी खिड़की पे आ जाना और वहां से फिर एग्जिट कर देना, तो फिर आप आराम से भाई सेकंड फ्लोर के अंदर आ जाओगे और यहाँ पे आप घूम भी सकते हो। ये नेक्स्ट अपडेट में आपको खोल के मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो है इसकी दीवार ब्लॉक्ड है गाइस, क्योंकि अभी इसका काम जो है वो कंप्लीट हुआ नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट अपडेट आ जाएगा गाइस और यहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो वो आप कमेंट कर देना कि क्या क्या नई चीज़ें आपको चाहिए गाइस सेकंड फ्लोर में, ताकि डेवलपर वो देख के यार ऐड कर सके। और ही भाई मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसी आगे के अपडेट मैं आपको देते रहूँ और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर दो। एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ गाइस, बहुत ही मज़ेदार। अगर आप जॉम्बीज बुलाते हो गेम में 2030 से, ठीक है, तो जॉम्बीज आ जाते हैं गेम में, आपको पता ही होगा। जॉम्बीज को आप मार भी सकते हो और जॉम्बीज भी आपको मार देते हैं और इनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन स्नाइपर से ये भी शायद एक शॉट में ही मर जाएंगे। ये देखो मैंने एक शॉट में इसको मार दिया है। फिर गाइस अगर जॉम्बीज स्पॉन हो जाते हैं ना, तो वो डिस्पॉन नहीं होते हैं। आप डीएक्टिवेट जरूर कर सकते हो 2040 की चीट कोड डाल के, लेकिन इनको अगर डिस्पॉन करना है तो एक ट्रिक मैं बताता हूँ कि आप इन्फिनाइट हेल्थ लगाओ 9129 से और स्काईफॉल की चीट लगा दो 1120 से। फिर जैसे ही आप आसमान से गिरते हो ना, तो जो भी ज़ॉम्बी स्पॉन हुए थे ना वो सारे डिस्पॉन हो जाएंगे और आपको बार बार उनको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो भी आपको नहीं मार पाएंगे गाइस, क्योंकि इन्फिनाइट हेल्थ में भी यार ज़ॉम्बीज आपको मार सकते हैं, तो वो हमें बहुत परेशान करते हैं। अगला मैं आपको बताता हूँ गाइस कि हमारे गेम में ना यार पुलिस गार्ड भी ऐड होने वाले हैं गाइस। जो पुलिस गार्ड है ना वो बाहर खड़े रहेंगे, हमारे पुलिस स्टेशन के दो गार्ड, और ये गन लेके खड़े रहेंगे। अगर आप इनमें से किसी को भी मारते हो या किसी भी को भी मारते हो, NPC को भी प्रिजनर को भी, तो सारे पुलिस वाले ना आपके पीछे पड़ जाएंगे और जिन दोनों के पास गन है वो आपको गन से मारने लग जाएंगे और बाकी तीनों जिनके पास गन नहीं है वो आपको मुक्के से मारने लग जाएंगे गाइस। आप भाग सकते हो कहीं भी, लेकिन भाई कितने ही दूर भागोगे आपको इनको मारना ही पड़ेगा और पुलिस स्टार भी आपके ऊपर आ जाएगा। फिर अगर आपको भाई ऊपर जाना है तो सेकंड स्टेयर की सीढ़ियां खुल चुकी होगी, लेकिन ऊपर भी हो सकता है पुलिस वाले आपको मिल जाए। तो यही चीज मैं आपको अब दिखाऊंगा गाइस GTA 5 में कि पुलिस स्टेशन कैसा दिखता है। आप बाहर देख सकते हो कि पुलिस वाली जो गाड़ी है ना वो यहीं पे घूमती रहती है और जैसे ही आप अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। कभी कभार आपको बाहर भी कुछ पुलिस वाले ऐसी बातें करते हुए दिख जाएंगे जो कि आपस में बात करते रहते हैं। फिर इधर एक गेट है गाइस जो कि पुलिस स्टेशन का है, अंदर चल के देखते हैं हम लोग और क्या क्या है। ये देखो यहाँ पे अंदर दो पुलिस वाले खड़े जो कि अपना अपना काम कर रहे हैं गाइस। ये अपना रिसेप्शन ही हो गया और यहाँ पे देखो एक NPC बैठा है जो कि अपनी कंप्लेंट फाइल कराने आया होगा या फिर किसी और काम से आया होगा। और बहुत सारे NPC भी यहाँ पे बैठ जाते हैं गाइस, लेकिन अलग अलग टाइम पे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती रहती है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे हम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में किसी को मारते हैं तो पुलिस हमारे पीछे पड़ जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है। तो इस NPC को मैं मारता हूँ, ये ऑलरेडी मुझे चोर सी शक्ल का दिख रहा है और आप देख सकते हो कि मेरे ऊपर 2-स्टार आ जाता है और पुलिस वाले भाई धड़ करके मारना चालू कर देते और कागज तक उड़ रहे हैं ये लोग, इतनी तेजी मार रहे। मेरे पास थोड़ी सी हेल्थ बची है, लेकिन यही इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D होता है तो भाई हम काफ़ी टाइम तक लड़ सकते हैं, लेकिन GTA 5 में तो भाई आपको बहुत ही बच के खेलना पड़ता है। देखो 2 गोलियों में ही मेरी हेल्थ कितनी कम हो जाती है गाइस। अब जो पुलिस वाले ना
वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे अच्छे से, क्योंकि 3 स्टार हो चुका है मेरे पे। अब इसका मैं आपको सेकंड फ्लोर दिखाता हूँ गाइस, इसमें सेकंड नहीं, इसमें 4 फ्लोर तक है और छत भी है गाइस, तो रूफ तक भी आप जा सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम लोग को इन पुलिस वालों से लड़ना है और इनसे बचना है, तो देखते हैं पुलिस वाले कैसे आते हैं और कैसे मेरे पे अटैक करते हैं। गोलियां चलने की आवाज आ रही है, मतलब कि पुलिस वाले आ चुके हैं भाई। एक भी गोली हम लोग खा सकते नहीं गाइस, वरना हम लोग यार आउट हो जाएंगे। एक पुलिस वाला देखो आया था, और भी कोई आ रहा है मुझे क्योंकि आवाजें आ रही है चलने की। नीचे चल के देखते गाइस कितने लोग आए हैं। यहाँ पे देखो 2-3 पुलिस वाले ऑलरेडी खड़े और आते ही जा रहे हैं गेट से गाइस, क्योंकि यार हमारे ऊपर जो पुलिस स्टार है वो बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि मैं कहीं पर छुपा नहीं हूँ। अगर मैं कहीं छुपा होता तो ही ये पुलिस स्टार हटेगा, लेकिन जब तक हम इनकी नज़र में रहते हैं ना, पुलिस स्टार नहीं हटता है। नीचे चल के एक बार देखते हैं कितने लोग हैं। यहाँ पे 2 लोग थे, ये दोनों को मार दिया मैंने। और नीचे चल के देखते हैं गाइस, क्योंकि अब मेरे ऊपर 4 स्टार हो चुके, तो काफ़ी पुलिस आ चुकी होगी। ये देखो गेट से एक आया, ये गया, ये तो सेम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के पुलिस जैसा लग रहा था। और भी कोई गेट से आने वाला है गाइस, हम लोग गेट के पास खड़े होकर देखते हैं, कोई गेट पर ही खड़ा है। ये देखो इसको हमने गन से मार दिया, एक पीछे चला गया, इसको भी मार देता हूँ, हेडशॉट, गया ये भी। तो गाइस ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में जब पुलिस स्टेशन का अपडेट आ जाएगा। जब तक के लिए मैं आपको और चीट कोड्स बताता हूँ। अगर आपको टैंक चाहिए गाइस तो 4040 डालोगे ना तो आपको मिलिट्री टैंक मिल जाता है, और अगर आपको छोटा डायनासोर स्मॉल डायनासोर को राइड करना है तो फोन में 5050 की चीट कोड डाल देना। और बहुत लोग बोल रहे थे कि हमारी इंडीवर कार जो है वो अपडेट हो चुकी है, तो 2020 डालोगे तो इंडीवर कार आ जाती है। और अगर आपको टाइम चेंज करना है गाइस गेम का, तो आप 9 डाल सकते हो फोन में, तो फिर रात और दिन आप कर सकते हो आराम से। अगर आपको गेम में गाइस ट्रक चाहिए बड़ा वाला, तो आप 1212 भी डाल सकते हो, और इसके पीछे आप ट्रेलर भी लगा सकते हो। अगर आप 01212 डालोगे तो विद ट्रेलर वाला ट्रक आ जाता है। हमारा फायर ट्रक भी न्यू वाला आ चुका है, अगर आपको नहीं पता है तो 606 डाल देना गाइस, न्यू फायर ट्रक आ चुका है हमारे गेम में। अगर आपको लेजेंडर चाहिए तो 1001 से आप ले सकते हो गाइस लेजेंडर कार को। हॉर्स चाहिए तो 200 डाल सकते हो, और अपाचे बाइक के लिए 4050 डाल सकते हो गाइस। मॉन्स्टर ट्रक भी बन जाती है हमारी बहुत सारी कार, जैसे कि टार्जन का चाहिए तो 0300 डाल देना, मॉन्स्टर टार्जन आ जाती है। लेकिन भाई मॉन्स्टर ट्रक का कुछ ग्लिच हो गया है हमारे गेम में, जब से कुछ अपडेट्स आए ये ना हवा में उड़ने लग जाते हैं। तो अगर आपको इनको नॉर्मल ज़मीन पे स्पॉन करना है तो एक बाइक स्पॉन करना और उसके ऊपर इनको स्पॉन कर देना, तो ये उड़ेंगे नहीं। फिर अगर आपको पोर्शे कार चाहिए गाइस तो 4000 की चीट कोड डाल सकते हो। यामाहा वीमैक्स के लिए 999 डाल देना, यामाहा FZ10 के लिए 888 डाल देना, डुकाटी डियावेल के लिए 777 डाल देना, और बनेली TNT के लिए 666 डाल देना। हमारी न्यू स्कॉर्पियो आई थी इस अपडेट में, जो कि आती है 333 से, और 444 से स्कॉर्पियो S11 आती है, और पहले ये RGB कलर की नहीं होती थी, लेकिन अब अपडेट के बाद आप इनको RGB कलर में कर सकते हो। फिर अगर आपको प्लेन चाहिए गाइस तो 555 की चीट कोड डाल देना, फॉर्चुनर के लिए 1000 डाल देना, फॉर्चुनर कार आ जाती है, रोल्स रॉयस के लिए 2000 डाल देना, ट्रॉन बाइक के लिए 6000 डाल देना, और ZX10R बाइक चाहिए तो 400 डाल देना, डॉग चाहिए तो 600 डाल देना, साइकिल चाहिए तो 1111 डाल देना, 8888 से ड्यूक 1290 आएगी, 7777 से ड्यूक 200 आएगी, 6666 से रेंज रोवर कार आती है, 5555 से घोस्ट राइडर बाइक आती है, 4444 से कोबरा बाइक आती है, और 800 से बुगाटी V2 आती है, 900 से कोनिशेक कार आती है गाइस, 500 से ऑडी कार आती है, 12345 डालने से NPC बढ़ जाते हैं, 54321 डालने से ट्रैफिक कार बढ़ जाती है, 3333 डालने से लैम्बोर्गिनी आती है, 700 डालने से लैम्बोर्गिनी V2 आती है, 0015 डालने से यामाहा R15 आती है, 00 डालने से फ्यूल टैंक आता है, 0 डालने से गैस टैंक आता है, 4x0 डालने से हीरो प्लेजर आती है, 3000 डालने से कावासाकी निंजा H2R आती है, 5000 डालने से पल्सर RS200 आती है, 7000 डालने से हायाबूसा आती है, 8000 डालने से हेलीकॉप्टर आता है, 9000 डालने से स्प्लेंडर आती है, 9090 डालने से थार आएगी, 9999 से रॉयल इनफील्ड बुलेट आएगी, 2222 से ATV बाइक आएगी, 1190 से न्यू KTM आएगी, 4215 से ड्यूक आएगी, 1210 से KTM आएगी, और 1211 से पल्सर आएगी। और आपके गेम में गाइस जेट भी है इंडियन बाइक ड्राइविंग में। अगर आप RGS टूल में जेट लिखते हो ना, तो फिर आसमान में जेट उड़ता हुआ दिख जाता है, लेकिन आप उसको चला नहीं सकते हो। तो ये है न्यू अपडेट की सारी चीट कोड गाइस, और भी चीट कोड है, अगर आपको वो सब जानना है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, भूलना मत, और ही वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में आप अपने अपने मिथ्स भी
कमेंट कर सकते हो ताकि हम उनको लेंगे अपने अगले मिथबस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की मज़ेदार वाली, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।